आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर, एट व्हाट टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी विल बी 14, कंसीडर दैट प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो हमसे पूछा गया है कि एसटीपी पर ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 है और वो टेम्परेचर बताइए जब ऑक्सीजन की डेंसिटी 14 हो जाए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैसियस स्टेट चैप्टर से। यहाँ पे पी होता है हमारा प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है मोल्स ऑफ गैस, आर होता है हमारा गैस कॉन्स्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। तो हम इसी वाले फॉर्मूला का इसमें यूज करेंगे। अब हमने एक और चीज भी पढ़ी हुई है कि नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट है? तो एन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन बाय एम आर टी। इसको फर्दर करें तो पी इज इक्वल टू एन बाय वी, माफ करिएगा एम रहेगा, एम बाय वी आर टी बाय एम। और मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या होता है हमारा, वही होता है डेंसिटी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू रो बाय एम आर टी, एम हो गया मॉलिकुलर मास, रो हो गई डेंसिटी। अब यही इक्वेशन हम लोग दो बार लगाएंगे। तो सबसे पहले रो वन जो है हमारे पास वो दिया 16, टी वन दिया क्योंकि एसटीपी है तो 273 केल्विन, रो टू जो होता है वो होता है हमारा इधर दिया 14 और टी टू हमें निकालना है। अब हम सिंपली इसमें फॉर्मूला लगा दें क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो एक बार लिखेंगे P इज इक्वल टू रो वन टी वन आर बाय एम, और सिमिलरली क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू रो टू टी टू आर बाय एम, आर गैस कांस्टेंट है और m मॉलिक्यूलर मास दोनों में फिक्स रहेगा। तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को इक्वेट करते हैं तो हमें मिलेगा रो वन टी वन इज इक्वल टू रो टू टी टू, क्योंकि r गैस कांस्टेंट था, m मॉलिक्यूलर वेट था, ये दोनों फिक्स रहेंगे, दोनों ही केस में इसलिए कैंसिल आउट हो गए। तो हमें टी टू फाइंड करना है, तो टी टू बनेगा रो वन बाय रो टू इंटू टी वन। वैल्यूज रख दें तो टी टू इज इक्वल टू 16 बाय 14 इंटू 273। तो ये बना हमारा T2 का एक्सप्रेशन। हमें फाइनली सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू केल्विन में मिलेगी जो कि क्या आएगी, 312 केल्विन के आसपास आएगी T2 की वैल्यू, और हमें डिग्री सेल्सियस में पूछना है तो T2 विल बी 312 माइनस 273 कर देंगे, तो ये सॉल्व करने पे आएगी 39 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर है हमारा T2 वो होगा 39 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑक्सीजन की डेंसिटी 39 डिग्री सेल्सियस पे 14 हो जाएगी। और इधर यूनिट्स दी नहीं हुई थी, लेकिन यूनिट अगर SI यूनिट्स मिले तो केजी पर मीटर क्यूब होती डेंसिटी, CGS में लिखेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो इधर हमें डेंसिटी का मेंशन भी नहीं थी और जरूरत भी नहीं थी डेंसिटी की यूनिट की, तो इसलिए हमें डेंसिटी यूनिट से इधर लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा T2 इज इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।